राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो फ्रांस के साथ राफेल फाइटर प्लेन के लिए जो डील की है उसमें घोटाला हुआ है, और ये बात वो इस आधार पे कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी के समय जब ये डील हुई थी तो एक फाइटर प्लेन का जो कॉस्ट था वो था 629 करोड़, और मोदी जी के समय जो डील हुई है उसमें जो कॉस्ट है वो 1611 करोड़ है। तो यहाँ बहुत ज्यादा फर्क है, और इसी फर्क के आधार पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहाँ पे घोटाला हुआ है। अब क्या सच में घोटाला हुआ है इसको जरा समझते हैं। राजनीतिक लोग जो हैं वो अपने फायदे के लिए कुछ ही सेलेक्टिव तथ्यों को जो है सामने लाते हैं, बाकी की बैकग्राउंड वाली चीजें हटा देते हैं। तो जो डील जो है यूपीए सरकार के समय हुई थी 126 फाइटर जेट की, वो कैंसिल कर दी गई। अब हम समझे जरा उसको क्यों कैंसिल किया गया। ये डील में जो प्राइस कोट किया गया था वो 2012 का बेस प्राइस था, और जिस भी साल हम ये डील एग्जीक्यूट करते हमें उसमें इन्फ्लेशन की कीमत एक्स्ट्रा जोड़कर पेमेंट करना होता, और ये इन्फ्लेशन क्लॉज था 3.9% का, यानी कि हर एक्स्ट्रा एक साल पर हमें 3.9% जो है ज्यादा देना पड़ता। तो उनकी डील का बेस ईयर था 2012, और जब एग्जीक्यूट होते होते हम पहुंचे तो 2016 आ चुका था। यानी इन चार साल के दौरान जो है अगर हम इसको आगे बढ़ाते तो हमें 3.9% चार साल के लिए ज्यादा देना पड़ता। लेकिन यूरोप में जो इन्फ्लेशन थी वो 1% ही रही है एवरेज इन्फ्लेशन इन चार साल के दौरान, यानी कि अगर हम इस डील को आगे बढ़ाते तो हम ज्यादा पेमेंट करते। और दूसरी बड़ी बात कि ये पेमेंट हमें करना होता यूरो में, और यूरो के मुकाबले रुपया जो है वो 10% से भी ज्यादा गिरा है इन चार सालों के दौरान। तो अगर हम महंगाई को जोड़ लें और साथ में रुपी का डेप्रिसिएशन भी जोड़ लें तो एक्चुअल में हम बहुत ज्यादा पेमेंट करते। तो राहुल गांधी जो 2012 का जो बेस प्राइस कोट कर रहे हैं उसमें ये इन्फ्लेशन और डेप्रिसिएशन वाली चीज जोड़ के कोट नहीं कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हम बहुत ज्यादा पेमेंट करते अगर उसी चीज को आगे बढ़ाया जाता। एक और बात कि उस डील में सिर्फ 18 प्लेन की फ्लाई अवे कंडीशन में देने की बात है, सिर्फ 18 प्लेन जो है हमें फ्लाई अवे कंडीशन में मिलेंगे, बाकी के 108 जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे, ये था डील में। लेकिन समस्या ये थी कि इस डील में फ्रांस कोई भी गारंटी नहीं दे रहा था जो कि भारत में बनेंगे। और दूसरी बड़ी बात कि ये प्लेन बनाता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 108 राफेल फाइटर जेट बनाने में कितना समय लगता ये आप सोच लीजिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है 20 साल से तेजस बना रहा है, तो अगर ये 108 यही बनाते तो कितना ज्यादा समय लगता आप सोच लीजिए। और एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट बड़ी अर्जेंट लेवल पर है, इसलिए जो है देश के हित में यही था कि इस डील को कैंसिल किया जाए, क्योंकि हम एक तो पैसा ज्यादा देते, प्लेन जरा से मिलते हमें, और उसके बाद जो बनाने होते हमें खुद को वो पता नहीं कब बनते। तो देश के लिए यही अच्छा था कि उसको कैंसिल किया जाए, और इसीलिए जो है मोदी सरकार ने इसको कैंसिल कर दिया। अब जरा डिफरेंस समझें कि उसमें क्या था और इसमें क्या है, क्यों जो है पैसा ज्यादा लग रहा है। अब जैसे हम कार खरीदने जाते हैं तो एक बेस मॉडल का प्राइस होता है, उसके बाद जैसे जैसे उसमें फीचर्स जुड़ते हैं कार की कीमत बढ़ती जाती है, तो वही चीज जो है कुछ यहां पे है। तो पिछली डील में सिर्फ 18 प्लेन थे फ्लाई अवे कंडीशन में, इसमें 36 प्लेन की बात है, और ये भी 2 साल के अंदर सप्लाई करना है। इस डील में वेपनरी पैकेज इंक्लूडेड है जो कि पिछली डील में इंक्लूडेड नहीं था, सिर्फ प्लेन ले रहे थे साथ में उसमें जो लगने वाले हथियार थे वो इंक्लूडेड नहीं थे। मेंटेनेंस और सर्विसेज जो है वो इंक्लूडेड नहीं था, उसका चार्ज हमें अलग से देना था। $3 बिलियन का मोदी सरकार की डील में ऑफसेट क्लोज है, और यही सबसे बड़ी मैजिकल चीज है, गेम चेंजिंग चीज है, यानी कि 3 बिलियन यूरो जो है फ्रांस को भारत में री इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो वो इस डील से कमाएगा। ये एक तरह से कैशबैक जैसा हो जाता है कि हमें 3 बिलियन का कैशबैक मिल जाएगा। अब इससे फायदा ये होगा कि हजारों लाखों की संख्या में भारत में रोजगार पैदा होंगे जब फ्रांस जो है भारत की डिफेंस इंडस्ट्रियों में
री इन्वेस्ट करेगा, और क्योंकि इसका फायदा भारतीय कंपनियों को मिलेगा जो डिफेंस में डील करेंगी, तो उनका नॉलेज बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जो कि अभी बहुत कम है. तो हमें खुद की डिफेंस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए इस चीज की बहुत जरूरत है, जो इस क्लॉज में है, जो कि पिछली सरकार की डील के समय नहीं था. इस मोदी सरकार वाली डील में जो है कुछ और चीजें भी शामिल हैं, जैसे मेट्योर बीवीआर मिसाइल. ये इस समय दुनिया की सबसे बेहतरीन बीवीआर मिसाइल है, ये इंक्लूडेड है जो पहले नहीं थी. इसमें सिम्युलेटर्स इंक्लूडेड हैं, इसमें 5 साल का लॉजिस्टिकल सपोर्ट इंक्लूडेड है जो कि पहले नहीं था. हमें 5 साल तक जो है कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा. इसमें जो है फ्रांस जो है ग्राउंड सपोर्ट भी देगा, और 75% अवेलेबिलिटी रेट की गारंटी रहेगी, यानी कि 75% समय जो है प्लेन हमेशा फाइटेबल सिचुएशन में रहेंगे, ये हमें मिलेगा. इसमें कुछ और भारतीय कस्टमाइजेशन किए गए हैं, जैसे हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रेडार वार्निंग रिसीवर, इंफ्रारेड सर्च. इस तरह की चीजें जो है इस डील में और ऐड की गई हैं, जो कि यूपीए सरकार की डील के समय नहीं थी. तो बहुत सी चीजें यहां बड़ी हैं. अब प्राइस हाई क्यों हुआ है उसको समझ लें. गारंटी पहले नहीं थी, अब इंक्लूडेड है. पहले फ्लाई अवे कंडीशन में थोड़े से थे, अभी बहुत ज्यादा हैं. 75% अवेलेबिलिटी रेट की गारंटी है जो पहले नहीं थी. 5 साल का सपोर्ट, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट सप्लाई वाली चीजें इंक्लूडेड हैं जो कि पहले नहीं थी. सबसे बड़ी चीज, 3 बिलियन का ऑफसेट क्लोज है. 3 बिलियन जो है वापस देश में आ जाएंगे, जो कि रोजगार पैदा करेंगे, हमारी कंपनियों को बहुत आगे बढ़ाएंगे. इसमें मेट्योर मिसाइल इंक्लूडेड है और सिमुलेटर इंक्लूडेड है. इतनी सारी चीजें जो है इंक्लूडेड हैं, जिसके कारण कीमत बढ़ी है. और साथ में थोड़ी सी कीमत जो है 4 साल की महंगाई और करेंसी के भाव में जो बदलाव हुआ है यूरो की में, वो है. तो ओवरऑल अगर हम इन सारी चीजों को देखें, उनका हिसाब किताब लगाएं, तो क्लियर समझ में आता है कि कोई घोटाला नहीं है. ये जो डील की गई है उन सारी चीजों को इंक्लूड करके कीमत जोड़ें तो एक्चुअल में सस्ती ही हुई है, महंगी नहीं हुई है. तो आधे अधूरे तथ्यों के साथ जो है राजनीति हो रही है, एक्चुअल में यहाँ कोई घोटाला वगैरह नहीं हुआ है. तो इसी के साथ जो है मैं अपनी बात खत्म करता हूँ. आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. अभी के लिए इतना ही. जय हिंद.